वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कल लगता है पंचायत का चुनाव भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम तो मनाते हैं कि खूब भाषण दे, क्या भाषण ही दे सकते हैं? लोकसभा के चुनाव में भाषण दिए, वादा किए, एक वादा पूरा किया क्या? कि जो बोलेंगे बाद में उसको जुमला घोषित कर देंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब पीएम मोदी के बारे में नीतीश कुमार के विचार कुछ ऐसे थे, मगर 15 साल तक बिहार पर शासन करने वाले सुशासन बाबू ने मोदी को लेकर अपने रुख में साफ यू टर्न मार लिया है। अब वो केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। नीतीश का ये बदला अंदाज देखकर राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव से पहले वो जो है अब मोदी जी के साथ खड़े हो गए और मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, खुद का 10 साल का कामकाज, जो विकास पुरुष और सारी बातें जो है एक तरफ हो गई है। आप याद कीजिए, ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने हाथ मिलाने से मना कर दिया था मोदी जी के साथ में, अगर आपको ठीक से याद होगा तो। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने जो है वो प्रचार करने से मना कर दिया था मोदी जी के साथ में, 2010 का चुनाव आपको याद होगा। तो अब ये इससे ये लग रहा है कि उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। बिहार की रैलियों में पीएम मोदी का ये आक्रामक अंदाज ये बताने के लिए काफी है कि कभी उनके घोर विरोधी रहे नीतीश कुमार किस कदर बैकफुट पर आ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ इसे नीतीश की अवसरवादिता करार देते हैं। बिहार की जो हालत है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि देखिए नीतीश कुमार जो है वो मुझे लगता है कि अभी हाल के पिछले 10-20 सालों में जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट कोई नेता अगर रहे हैं तो उनमें से एक नीतीश कुमार है। वो हर वक्त इतनी जल्दी रंग बदलते हैं, कहाँ वो जॉर्ज के साथ समाजवादी थे, इस देश में जो है वो बहुत सारी रिएक्शनरी फोर्सेस के खिलाफ लड़ने की बात करते थे, वो कहते थे कि हम जो है वो प्रोग्रेसिव हैं, हम समतावादी हैं, उनकी पार्टी का नाम भी समता पार्टी है हम, और अचानक जो है वो जब भी कोई मौका लगा, वो ही नहीं उनके गुरु जॉर्ज फर्नांडिस भी हैं थे, वो भी जब भी मौका लगा वो एनडीए के साथ चिपक लेते थे, और जब उनको उनका ये बैलेंस था कि वो पूरी तरह से अगर वो प्रो एनडीए हो जाएंगे तो उनको पता है कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। दरअसल नीतीश करें भी तो क्या करें, एक तो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ऊपर से तेजस्वी यादव की रैलियों में जुटने वाली भीड़। अगर टेंशन में कहीं कोई कसर रह गई थी तो उसे चिराग पासवान की खिलाफत ने पूरा कर दिया। लोगों के दिमाग में थी नवरात्रि एक बड़ा त्योहार होता है, पर उसके बाद दुर्गा विसर्जन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक जनरल डायर की भूमिका वहां पर निभाई और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर निर्दोषों के ऊपर गोली चलवाई, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, उनको पीटा बर्बरता से। बीजेपी के नेता नीतीश के इस कदम को मोदी की दिनों दिन बढ़ती ब्रांड वैल्यू का सबूत बता रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशियों से निकल के आ रही है कि जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हैं वो हर प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में देश के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम अपने यहाँ लगवाना चाहता है। उसे लगता है कि प्रधानमंत्री उसके क्षेत्र में अगर सभा कर देंगे तो उसकी जीत सुनिश्चित है। तो ये उन लोगों के मुँह पर एक तमाचा है और ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो बोलते थे कि प्रधानमंत्री की ब्रांड वैल्यू कम हुई है, तो वो जाके बिहार में देखें कि किस तरीके से एक एक प्रत्याशी अपने यहाँ प्रधानमंत्री की रैली लगाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश किए हुए है और वो अपने जिस दल से बिलोंग करता है या जिस गठबंधन के अलायंस से आता है उसकी इच्छा है कि उसके यहाँ पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का हो,
राजनीति को नुराकुश्ती यूं ही नहीं कहते। यहाँ कोई किसी का स्थाई दोस्त या स्थाई दुश्मन नहीं होता, लेकिन किसी खास को लेकर रुख में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा तो जाहिर सी बात है लोग सवाल तो करेंगे ही। नीतीश के इस रुख पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिहार इलेक्शन से जुड़ी हर खबर की अपडेट लेते रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।